ये जितनी भी आत्माएं मेरे आसपास हैं, दूर दूर तक जिन्हें मैं तीसरे नेत्र से देख पा रहा हूं, ये सब मेरे हैं। दूसरा मनसा सेवा के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है आत्मा भाई भाई का अभ्यास। देखिए, हम एक ही घर में रहते हैं, एक ही हमारा पिता है, तो हम भाई भाई ही हो गए। हम सभी आपस में भाई भाई हैं क्योंकि हम सभी एक घर जिसको शांति धाम कहते हैं, वहाँ से हम नीचे आते हैं और इस धरा पर, ये जो सृष्टि एक रंगमंच है, उस पर हम पाठ बजाते हैं। ये जो देह है, ये हम आत्माओं का ड्रेस है, चोला है, इसे हम पहनते हैं और पाठ बजाते हैं। कोई मेल का कॉस्ट्यूम पहनता है, कोई फीमेल का कॉस्ट्यूम पहनता है। उदाहरण के तौर पर मानिए, एक घर में सात बच्चे रहते हैं, सातों भाई हैं और अपने पिता के साथ रहते हैं। वो वहाँ से बाहर जाते हैं नौटंकी करने के लिए और गांव-गांव में जाकर नौटंकी करते हैं और ये काम वो वर्षों करते हैं। उनमें से कोई माता का रोल अदा करता है, कोई भाई का, कोई पिता का, कोई डॉक्टर का, कोई इंजीनियर का, अलग अलग रोल अदा कर रहे हैं और वर्षों करते हैं। तो उनके माइंड की प्रोग्रामिंग ऐसे होने लगती है कि मैं माता ही हूँ, मैं बहन ही हूँ। वो भूल जाते हैं कि वो मेल हैं। जो वो पात्र अदा कर रहे हैं वर्षों से, कुछ कुछ वैसी बॉडी लैंग्वेज उनकी हो जाती है। इन द सेम वे हम आत्माएं सभी समान हैं, हम आत्माएं सभी भाई भाई हैं। इसलिए कहते हैं ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, क्योंकि एक पिता की संतान है ना। तो वहाँ से हम नीचे आते हैं, वो कोई मेल कोई फीमेल का कॉस्ट्यूम पहन लेते हैं और ये पात्र अदा करने लग जाते हैं। कोई यहाँ पर किसी की बहन बना है, कोई माता बना है, कोई वाइफ बन गया, कोई कुछ बन गया, लेकिन उनके माइंड की प्रोग्रामिंग फिर ऐसे हो जाती है कि हम यही हैं, राइट। तो अभी हमने आत्मा भाई भाई का अभ्यास पढ़ाना है। जब किसी को देखें तो ये अभ्यास करें कि ये आत्मा मेरा भाई है, ये आत्मा मेरा भाई है। तो उससे होता क्या है, सबसे पहले प्योरिटी बढ़ती है। मतलब जब किसी की देह को नहीं देखते तो बड़ा छोटा, अमीर गरीब, काला गोरा, इस भान से तो मुक्त हो जाते हैं। और जैसे ही इस भान से मुक्त होते हैं तो अपने आप ही हम सामने वाले को बहुत प्योर लवफुल एनर्जी रेडिएट करने लगते हैं। ये बहुत बड़ी सेवा है, आप करके देखिए। और देखिए, एक दिन करके देखिए और देखिए कितना सुकून आपको मिलता है, कितना मन लाइट रहता है, कितना बिना वजह के बोझे से हम मुक्त होते हैं। करके देखिए, आत्मा आत्मा भाई भाई, ये जितनी भी आत्माएं मेरे आसपास हैं, दूर दूर तक जिन्हें मैं तीसरे नेत्र से देख पा रहा हूं, ये सब मेरे हैं। अगर देखिए बेहद में बुद्धि चली जाती है कि सब मेरे हैं, कोई पराया है ही नहीं, सब मेरे हैं, तो हृदय कितना विशाल हो जाएगा और देखिए कितनी प्योर वाइब्रेशंस रेडिएट हो रहे हैं। तो ये हो गया मनसा सेवा का दूसरा स्टेप, कि जिसमें हम आत्मा भाई भाई का अभ्यास अधिक से अधिक करें। ठीक है, एक छोटा सा अभ्यास, स्वयं को देखें मस्तक के बीच में, ये सृष्टि एक रंगमंच है, मेल और फीमेल का कॉस्ट्यूम पहनकर मैं आत्मा पाठ बजा रही हूं। हम आत्माएं सभी भाई भाई हैं और एक पिता की संतान है। स्वामांद स्वयं को मैं पूर्वज हूं, बड़ा भाई हूं। बड़ा भाई होने के नाते सबको पालना देना मेरा परम कर्तव्य है। मैं सबको शांति और प्रेम का दान दे रहा हूं। सब मेरे हैं, मेरे अपने हैं, यहां कोई पराया नहीं। ये सृष्टि एक स्टेज है और हम सभी आत्माएं भाई कलाकार हैं। हम सबका नेचर प्योरिटी है, लव है, पीस है।
इस तरह की प्रैक्टिस हम कर सकते हैं। इससे हम दूसरे मनों को बहुत सारी शक्ति दान कर सकते हैं।